गाइज वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और आज का मेरा वीडियो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही सिंपल डीआईवाई होममेड रेसिपी, होममेड रेमेडी, जिसको यूज करके आप अपनी आईलिड्स को और अपने आईब्रोज को बहुत ज्यादा घना और थिक दिखा सकते हैं। आपकी जो आईलिड्स हैं, आईब्रोज हैं, उसकी ग्रोथ जो है वो काफी बढ़ जाएगी इस रेमेडी को यूज करने के बाद। आपको तो जैसे पता ही है कि अगर हमारी आईलिड्स और आईब्रोज पे जो हेयर है वो काफी अगर थिक हो तो हमारी आईज जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव लगती है, बहुत इम्प्रेसिव लगती है, काफी आकर्षक लगती है हमारी आईज और आईब्रोज भी, और बिना मेकअप के भी हमारा जो चेहरा है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो अगर आपको भी कहीं ना कहीं थिन हेयर की प्रॉब्लम है अपने आईलिड्स पे या आईब्रोज पे, या बीच बीच में कहीं गैप्स हैं आपकी आईब्रोज पे और आपको मेकअप यूज करना पड़ता है उसको फिल करने के लिए, तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। ये जो रेमेडी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये 100% नेचुरल रेमेडी है और सभी इंग्रेडिएंट्स जो है वो नेचुरल है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इस रेमेडी का, और इसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल 100% है। अगर आप इस रेमेडी को यूज करते हैं रिलीजियसली 15 to 1 month तक, तो डेफिनेटली आपकी जो आईब्रोज है और आपकी आईलिड्स है, उनकी जो हेयर है, उनकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। मतलब आप भी बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि आपकी आईलिड्स और आईब्रोज जो है वो इतनी ज्यादा थिक कैसे हो गई। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना देरी करें लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पेस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में हम 1 tablespoon एलोवेरा जेल ऐड करेंगे, और फिर उसमें हम ऐड करेंगे 1 tablespoon कोकोनट ऑयल, और फिर इस मिक्सचर में हम ऐड करेंगे 1 tablespoon कैस्टर ऑयल, और लास्ट में इस मिक्सचर में हम डालेंगे 2 vitamin E के कैप्सूल्स। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए इस मिक्सचर में डालने के लिए, ये सभी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हेयर ग्रोथ के लिए, और इनको अगर आप अलग अलग भी यूज़ करते हैं तो भी इनका फ़ायदा जो है वो बहुत ज़्यादा होगा आपको, और अगर आप इनको मिक्स करके करते हैं तो ये बिल्कुल मैक्सिमम बेनिफिट देंगे आपकी आईब्रोज को और आईलिड्स को। मिक्सचर जो है वो बनके बिल्कुल रेडी है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। आपको थोड़ा सा मिक्सचर अपनी फिंगर्स पर लेना है और इस तरह से अच्छे से अपनी आईब्रोज की मसाज करनी है, और सेम इसी तरह से आपको अपने आईलिड्स की भी मसाज करनी है 10 to 15 minutes रोज रात को। आप इस सीरम को स्टोर कर सकते हैं 8 to 10 days के लिए। आपको इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है। आपको क्या करना है, आपको एक एयर टाइट कंटेनर लेना है और उसमें इस सीरम को रखना है, और फिर आपको इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है, और जब भी आपको यूज करना है आप उसमें से निकाल सकते हैं। और सबसे खास बात कि आपको इस सीरम को रात को सोने से पहले यूज करना है। आप रात को सोने से पहले इस सीरम की अच्छे से मसाज कीजिए अपने आईब्रोज पे और आईलिड्स पे, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए वैसे ही छोड़ दीजिए, और सुबह उठ के फिर आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, और फिर इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा आपकी आईज पे और आईलिड्स पर। सो गाइज ये था मेरा आज का DIY आईलिड्स और आईब्रो की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी साबित होगा। आप भी यूज कीजिए इस रेमेडी को अपने घर पे और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये कितनी ज्यादा बेनिफिशियल रही आपके लिए। और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आती रहूंगी, आपसे मिलती रहूंगी गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।